नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसको मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर रख रहा हूँ, जानबूझ के रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं दो बुक्स पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें ये डॉन टैपस्कॉट की है और एलेक्स टैपस्कॉट की है। बेसिकली ये इस बारे में है कि हाउ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो दुनिया बदल रही हैं। तो बेसिकली, और एक और बुक है द ट्रुथ मशीन, ये बहुत, दोनों बहुत बेस्ट सेलर्स हैं। द ब्लॉक चेन एंड द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग, ये माइकल जे कैसी और पॉल वेगना की बुक है। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया है, और बहुत रिमार्केबल बुक्स हैं। तो ब्लॉक चेन बेसिकली जो ट्रुथ मशीन है, ये फ्यूचर फॉर एवरीथिंग कह रहा है, क्योंकि फ्यूचर तो चेंज हो गई आपका, ब्लॉक चेन आपका आ गया है। सेंट्रल बैंक्स की भूमिका लेकर के इस बारे में मैंने बात की थी, जब मैंने सेंट्रल बैंक का मैंने ग्लोबली जब मैंने बात की थी, उनके जो चैलेंजेस हैं फ्यूचर के, किस तरीके से तीन एराज जो मैंने डिस्कस किए थे, विक्टोरियन एराज से लेके वर्ल्ड वॉर टू वाला, फेडरल रिजर्व के बाद वाला, और जो ये अभी रिसेशन के बाद, और ये जो चौथा 2010 के आगे हो गया, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं उनके लिए। तो बेसिकली जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली है क्या? तो इसका जो कंटेक्स्ट है वो बहुत सिंपल कंटेक्स्ट है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है या इस तरह का डिज़ाइन करता है एक सिक्योर वे को। इसमें एक इम्पॉर्टेंस ये है कि सिक्योर वे है, तो ये ट्रांसक्रिप्शंस को और सर्कुलेशन को, जो सिग्नेचर होते हैं, जो उसमें पार्टीज होते हैं उनके बीच में, और या कोई एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, और बेसिकली ये एक तरीके का लेजर होता है। लेजर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है मल्टीपल सिस्टम अक्रॉस द सिक्योर नंबर टू एनेबल पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन ट्रस्ट वर्दी सोर्स। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट वर्दी सोर्स, जैसे बिटकॉइन को लेके इसमें जो काफ़ी सारी अच्छी प्रॉब्लम्स आई थी, जिस तरीके से इसकी वैल्यूएशन हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई थी। तो और इसका जो कोर होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक लेजर, और इसको कोई भी मैनिपुलेट या इजिली शेयरेबल हो सकता है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो ये कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर है, ये इसमें बेसिकली आपके पांच इन मेन चीज़ों को होता है, जिसमें एक नोड होता है, एक ट्रांजेक्शन होता है, एक ब्लॉक होता है, एक चेन होती है, एक माइनर्स होते हैं। तो नोड आपका जो होता है, इज यूज़र और कंप्यूटर विद इन द ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, हर एक के पास एक इंडिपेंडेंट कॉपी होती है पूरे ब्लॉकचेन लेजर की, इसको हम नोड बोलते हैं। फिर एक ट्रांजेक्शन होता है, ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है ब्लॉकचेन सिस्टम का, जो सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और ये पर्पस ऑफ द ब्लॉकचेन को भी आइडेंटिफाई करता है। तो ब्लॉक जो होता है यहाँ पर, तो डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाता है, तो जो सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनको किस तरीके से सारे नेटवर्क के अंदर सारे नोड्स पे इसको कैसे भेजा जाएगा या इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बेसिकली ये नोड, ट्रांजेक्शन और ब्लॉक। इसके बाद आपका चेन आता है, चेन आपका हो जाएगा सीक्वेंसिंग ऑफ ब्लॉक्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। और इसके बाद आपका माइनर्स होते हैं, जो स्पेसिफिक नोड्स जो होते हैं उनको वो ब्लॉक वेरिफिकेशन प्रोसेस में बिफोर एनीथिंग एडिंग एनीथिंग टू द ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर। तो ये पांच जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट हैं, इनका एक अपना अहम रोल है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नोड, ट्रांजेक्शन, ब्लॉक चेन और माइनर्स, तो इनको लेकर के हम ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को हम समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़। इसके बाद जो मेन चीज आती है वो ये है कि हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क, ये काम कैसे करता है। तो एवरी जो सारे ब्लॉकचेन्स होते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं आपके ट्रांजेक्शन्स को, और ओवर ऑफ द लेटर और लॉन्गर द चेन। तो जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतनी चेन इसकी बढ़ जाएगी। तो इसमें मिनिमल आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन होती है एवरी ब्लॉक के लिए, और वो लिंक होता है एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर से, जो ट्रांजेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स के पास होता है। तो इसके बाद जो ये डिजिटल सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिजिटल सिग्नेचर कहाँ यूज़ की जाते हैं, तो हम ब्लॉकचेन में इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो एवरी ब्लॉक होता है, वो डिस्टिंग्विश करता है दूसरे ब्लॉक से थ्रू एक यूनिक कोड के, और इस तरीके से इसके पास स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स आ जाते हैं। फिर इसमें जैसे आपका, जैसे डेबिट कार्ड है, उससे आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है, या वीज़ा है, या मास्टर कार्ड है, ये टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करते हैं, तो आपके बैंक के अकाउंट को वेरीफाई करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं, और एक ट्रांजेक्शन जिस तरीके से, ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि जिस तरीके से आपका डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर लेते हैं या ऑनलाइन नेट बैंकिंग होती है। तो ये ब्लॉकचेन जो भी है, ये भी टेक्नोलॉजी का मॉडल सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, किस तरह से रिवोल्यूशनाइज करेगा वर्ल्ड को, ये ट्रुथ मशीन की तरह ये काम करेगा, फ्यूचर फॉर एवरीथिंग का है, जैसे मैंने आपको बताया था माइकल जी कैसे और पॉल विग्ना ने, फिर ये डॉन टैपस्कॉट एंड एलेक्स टैपस्कॉट ने इसको ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन पे जो काम किया है, इसको हम अलग से डिस्ट्रिक्ट में जब बुक रिव्यूज लिखूंगा तो मैं दोनों का सेपरेट लिखूंगा। चलिए हम आगे देखते हैं। जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आती है,
इसको अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको सम अप करेंगे तो ये कंप्यूटर्स होते हैं जेन्यूननेस ऑफ ट्रांजेक्शंस को इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं, और एक क्या कहते हैं ये खाली एक ब्रूट फोर्स से ये इसको सॉल्व किया जा सकता है, एनर्जी इंटेंसिव वे से इसको सॉल्व किया जाता है, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर्स एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इसमें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके जो ये कंप्यूटर्स होंगे ये बहुत हैवीली बिल्ड होने चाहिए कंप्यूटर्स आपके, इनका प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकें, और जिस तरीके से इसको फिर कंपनसेशन भी दिया जाता है जो लोग इस चेन से जुड़ेंगे, जो इसको इंटरनेट पर यूज़ करेंगे, जो अपनी मशीन्स को इसमें डालेंगे, तो ये बेसिकली काफ़ी इसको कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं कहूँगा इसको ये, लेकिन ये है कि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है तो इसको समझने में लोगों को थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर एक बार ये सिस्टम आ जाएगा तो जैसे एटीएम से जब आए थे तो कोई दिक्कत हुई थी, इसके बाद नेट बैंकिंग बहुत ईजी हो गई है, लोग प्राइवेट बैंक्स पर इतना ट्रस्ट नहीं करते थे, अब तो सब कुछ प्राइवेट मोड पर चला गया, पीपीपी मोड पर आ गया, तो बेसिकली वक्त के साथ ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा, लेकिन ये जो मैंने अभी कोशिश की है ये इसको एक समझने का प्रयास है, और जब मैं इसको डिटेल में बनाऊंगा दोनों बुक्स का रिव्यू लिखूंगा मैं, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, प्लीज़ इन्हें देखें इन्हें पढ़ें, और मैं फिर से अगर इन पे ही क्वेश्चन आ जाएंगे कि बुक्स किसने लिखी हैं तो ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन जो लिखी गई है कि हाउ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को चेंज कर रही है, ये फादर सन की जोड़ी है, इसमें डॉन टैपस्कॉट एंड एलेक्स टैपस्कॉट ने लिखी है, और ट्रुथ मशीन जो है ये ब्लॉकचेन फ्यूचर फॉर एवरीथिंग माइकल जी कैसी और पॉल विग्ना ने लिखी है। चलिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।